बहुत सही बहुत सही, मर जाएगा ये, कुछ नहीं होगा। और ये गजब, देख पा रहे भैया सवारी कर ली है इससे, अभी पड़ेगा ये 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का। जब तक खाएंगे नहीं तो इसका टेस्ट क्लियर नहीं मालूम पड़ता है कैसे। क्या नाम भाई? सलीम। कहाँ से आए तुम लोग? बिठूर। बिठूर से आए भाई आपका? क्या नाम? श्रीश कुमार। मुन्ना के नाम से ना फेमस वही है। ठीक है, तो ये वाला कौन सा खाजा अभी हमारा है? खोया वाला। क्या रेट चल रहा है इसका? 220 रुपए। अरे गजब, इतना खास घोड़ा। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे हमने पार्क अपनी जो बाइक है वो पार्क कर दी यहाँ पे, और इस साइड जो रास्ता गया हुआ है कहीं और के लिए गया हुआ है। और इस साइड से अगर आप आएंगे तो जो क्योंकि मेन है, ठीक है, मेन एंट्री गेट है यहाँ से, तकिया पर जो मेला लगता है यहाँ पे देख पा रहे हैं 1992 में इसका हुआ था सारा कुछ। यहाँ पे एक मंदिर है उसके बारे में लिखा हुआ है श्री बाबा मोहम्मद शाह जी का, ठीक है, जहाँ पर चादर चढ़ाई जाएगी 28 दिसंबर को, तो आप लोग आ सकते हैं, बहुत बड़ा मेला है। और ये मार्ग चलेंगे आगे चल के, वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मेला दिख जाएगा तकिया पाटन का। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं मेन हाईवे पे, आप देख पा रहे हैं हाईवे, वहाँ पे सारे बोर्ड लगे हुए हैं और सामने भी आप देख पाएंगे, वहाँ पर देख पाएंगे झूला लगा हुआ है, ठीक है, झूला लगना चालू हो चुका है। और इस तरफ से मार गया हुआ है, बहुत बड़ा हाईवे है, और आगे चल के वहाँ से एंट्री हो जाएगी अंदर मेले के लिए। तो इस तरह से आप ध्यान दें, आगे से वहाँ पे एक ब्रिज भी आया हुआ है, ब्रिज से आप डायरेक्ट नीचे उतरेंगे तो डायरेक्ट मेला के लिए आएंगे। तो अभी मेला के अंदर आ चुके हैं और आपको यहाँ पे दिखाते हैं कौन कौन सी दुकानें यहाँ पे अपडेट हो चुकी हैं, मतलब बहुत सारी कौन कौन सी दुकानें यहाँ पे आ चुकी हैं। ढोलक की भी बहुत सारी यहाँ पे दुकानें आई हुई हैं, तो वो भी आपको दिखाते हैं कैसे क्या है। और अंदर भी बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। तो अभी मेला की तैयारियाँ स्टार्ट हुई हैं। दोस्तों अभी आप देख पाएंगे यहाँ पे बहुत सारे ढोलक हैं, आप लोगों को बजवा के दिखाते हैं ढोलक कैसे बजती है। भैया देखो लेके आए हुए हैं, अभी इसको बजा के दिखाएंगे। दिखाओ भैया बजा के ढोलक, बजाओ। यही है ढोलक मास्टर मैन भैया, बाराबंकी वाले उस्ताद हैं ये देखो भाई, थोड़ा तेज आवाज बजाइए, तेज आवाज में ये। बहुत सही बहुत सही, अच्छा इसमें आंकड़े लगाए जाएंगे, नट बोल्ट। अच्छा 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 अच्छा, नट बोल्ट लगा के इसमें छेद किया जाएगा, तब इसमें चमड़ा लगाया जाएगा, तब ये बनेगी। हाँ तब तो प्रॉपर गमकेगी सही से, तब ये आवाज होगी बढ़िया। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा ना, हमने आपको हमें छोटी ढोलक बड़ी ढोलक सारी आपको यहाँ पे दिखाई हुई है। बाराबंकी से आए भैया लोग, यहीं पे सारा कुछ बना रहे हैं, ठीक है, लाइव आपको मैंने दिखा भी दिया कैसे बना रहे हैं, कैसे कलर चेंज कर रहे हैं। तो दिखाते हैं मेला के अंदर जो खाजाली दुकान है ना, वो भी अभी यहाँ पे दुकानों की तैयारियाँ हो रही हैं, बहुत सारे लोग और भी आए हैं दुकान की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अपने सब तंबू तैयार कर रहे हैं यहाँ पे, मेला बहुत ही लंबा लगने वाला है। दुकानों की तैयारियाँ हो रही हैं, देख पा रहे जैसे कि इधर साइड पर भैया लोग सब यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं दुकान की, उधर से देख पा रहे सामाटी बराबर की जा रही है, क्योंकि दुकान बहुत लंबी लंबी लगती हैं और काफ़ी लंबे समय के लिए लगती है दुकानें यहाँ पे। तो अभी देख पा रहे हैं यहाँ भी एक दुकान यहाँ पे तैयार हो चुकी है इस तरीके से, आगे भी दुकानें सारी तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पे देख पा रहे सब माटी और ईटे सब बराबर किए जा रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं भैया लोग अभी यहाँ पे टेंट लगा रहे हैं, ठीक है, टेंट लगा रहे हैं सारी चीज़ें यहाँ पे, तो दुकान की सारी व्यवस्था यहाँ पे तैयारी हो रही है। अगर देख पाएंगे दोस्तों भी ये सब ठाकुर खजला भंडार की जो खाजा है वो सब सारा कुछ यहाँ पे दुकानें तैयार हो चुकी है, देख पा रहे हैं वहाँ से लेके ये सब आए हैं पूरा यहाँ पे, इन्हीं की दुकान है, सारा कुछ तैयारी हो रही है यहाँ पे खाजा की। और इधर साइड भी देख पा रहे हैं भैया भी बना रहे हैं यहाँ पे, तुम्हारी क्या की दुकान है? खजला जलेबी। तो भैया वाली भी दुकान में खजला, यहाँ पर बहुत भारी भारी भंडार लगता है खजला का, खजला और जलेबी की दुकान इससे प्रॉपर यहाँ पे तैयार होगी। आगे भी जितने भी आपको दुकानें दिख रही हैं सब आपको खजला और यहाँ पे जलेबी की सारी दुकानें यहाँ पे दिखाई पड़ेंगी। दोस्तों भी मेला के अंदर हैं और यहाँ पे आपको और दिखाते हैं, यहाँ पे जो झूले लगे हुए हैं ना, झूलों की भी तैयारी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से हो चुकी हैं, छोटे झूले बड़े झूले सारे यहाँ पे आए हुए हैं, तो भी आपको लाइव दिखाते हैं सब। यहाँ पे जो छोटा झूला ये ना बच्चे जिसमें कूदते हैं, देखो इधर सारे मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, इधर देखो सारे कूद रहे हैं उस पर, ऐसे ही बस उलरना होता है, ठीक है, ये छोटे बच्चों के लिए होता है। तो सारा कुछ अभी यहाँ पे बच्चे आराम से एंजॉय कर रहे हैं। और इधर साइड पे ये लगे दो लगे हैं, छोटा लगा हुआ है एक बड़ा भी लगा हुआ है, ये देखो भाई साहब ये सब कूद रहे हैं, देखो एक्टिंग कर रहे हैं इस पर, देखो वीडियो बन रहा है ना तो और एक्टिंग कर रहे हैं, ये देखो भाई साहब बहुत गजब, ये देखो सारी कलाकारी हो रही है इस पर। और अभी इधर देखो और उधर साइड पर बड़ा झूला लगा हुआ है, ठीक है, उधर साइड जो बड़ा वाला झूला है उसकी तैयारी हो रही है वहाँ पे, और वहाँ पे एक सर्कल वाला झूला लगा हुआ है जो कि बहुत ही खतरनाक झूला है, वो भी वहाँ पे तैयार हो रहा है। ये कौन सा घोड़ा है? ये चाल बार रेसर घोड़ा है। चाल बार रेसर घोड़ा, कितने साल का हो ये? ये इसकी मान लीजिए 14-15 महीने। 14-15 महीने, कितने का पड़ेगा ये? ये 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए का, चलो बहुत बढ़िया। ये भी एक आगे देख पा रहे हैं बहुत घोड़ा उड़ा लड़ रहा है, ये देखो भाई इसको दोनों टांग पीछे बांध रखे हैं, खतरनाक मरका है क्या ये? नहीं, अरे गजब
पहले ही से ही, ये देखो भाई, अरे गजब ये लाद चला रहा है। इसमें इसका राशन भरा हुआ खाने वाला। अच्छा अच्छा, ये कौन सा घोड़ा है? सफेद नुकरा घोड़ा। कितने का ये? पौने दो लाख रुपए का। कितने साल का हो गया ये? ढाई साल का है। देख पा रहे हो कितना फुर्त घोड़ा है, टांग अगर ना बंद पिछाड़ी मार दे। क्यावन? अरे गजब, इतना खास घोड़ा बोला 1.5 लाख रुपए, 1,51,000 रुपए घोड़ा, देख पा रहे हो, खतरनाक। कितने महीने का ये? पूरा है, जवान है। अच्छा अच्छा, बोना के वाला ये। अरे गजब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी मेला के बिल्कुल अंदर आ चुके हैं, जहाँ पे सारे झूले लगे हुए हैं, छोटा झूला बड़ा झूला, ठीक है, सारे झूलों की यहाँ पे तैयारियाँ हो चुकी हैं। हर तरह झूले यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोग अगर झूला झूलना चाहते हो तो आप, सारे झूले आए हुए हैं, वो भी आपको मैं लाइव दिखाता हूँ यहाँ। तो वैसा छोटे बच्चों वाला जो झूला है ना, वो भी यहाँ पे रेडी हो चुका है। अभी कुछ चीज़ें इसमें बाकी हैं लगने के लिए, वो भी सारी चीज़ें लग जाएंगी। और ये भैया लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्या नाम है तुम्हारा भाई? इकबाल। इकबाल, तुम्हारा क्या नाम भाई? अली। कहाँ से आए तुम लोग? बिठूर। बिठूर से आए हुए हैं, देख पा रहे हैं भैया लोग यहाँ बिठूर से आए, बिठूर कानपुर वाला, तो वहाँ से देख पा रहे हैं भैया लोग आए हुए हैं झूले में, ठीक है, झूला यहाँ पे लगा चुके हैं। और ये देख पा रहे हैं कई सारे झूले यहाँ पे लगे हुए हैं। ये वाला कौन से बोलते हैं इसको? नाव वाला। ड्रैगन ड्रेन। दे बाघ, खतरनाक। ये देख पा रहे हैं भाई, ठीक है, इधर सारा ये लगा हुआ है, बहुत खतरनाक झूला। ये बड़ा वाला लगा हुआ है इस सड़क पे, 24 सीटर। और ये वाला कौन सा है? ड्रैगन ड्रेन। हाँ, ये देख पा रहे हैं इस पर, ठीक है, सारा कुछ रेडी हो चुका है। 28 तारीख को सबका होगा उद्घाटन, यहाँ पे प्रॉपर भीड़ होगी उस पे। शमसुद्दीन मालिक झूले के हैं। कौन है? शमसुद्दीन। शमसुद्दीन झूले। अच्छा अच्छा, झूले के मालिक हैं। और इस तरह से देख पाएंगे कई सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, ठीक है। और इस पर देख पाएंगे ना, बहुत सारे इस पर रैंप बनाए गए हैं चढ़ने के लिए। इधर 1, 2, 3 निकले हुए, एक तरफ जाना है, एक तरफ से आना, जिससे आने जाने में ना किसी को दिक्कत ना हो, सारी व्यवस्था। और यहाँ पे देख पा रहे हैं काउंटर पूरा बनाया गया हुआ है, इसमें पूरा टिकट काटी जाएगी। और इस तरफ देख पाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ये भी वाला झूला तैयार हो चुका है, ब्रेक डांस, जो भी आपको दिखा रहा था, ब्रेक डांस झूला भी तैयार हो चुका है यहाँ पे। ब्रेक डांस वाला पूरा झूला यहाँ पे रेडी हो चुका है। इधर छोटे बच्चों वाला झूला भी है, और यहाँ पे एक झूला और लगा हुआ है, ट्रेन वाला, मतलब ट्रेन वाला भी झूला यहाँ पे लग चुका है, मिनी ट्रेन, छोटे बच्चों वाला। देख पाए छोटे बच्चों का जो है ना, मिनी ट्रेन वाला, ये भी लगा हुआ है, ये देख पा रहे हैं प्रॉपर, ठीक है, मिनी ट्रेन लग चुका है इसके अंदर। उधर साइड में छोटे छोटे और जो लगे हुए हैं कई सारे, और इधर भी एक छोटे बच्चों वाला झूला यहाँ पे तैयार हो चुका है। जो दोस्तों भी आप झूला देख पा रहे हैं, ये वाले, ये सब जो जितने लगा हुआ है ना, इससे सब 30 रुपये में झूलाते हैं यहाँ पे। ये पहला ऐसा मेला है जहाँ पे इतना सस्ता चलता है। इधर देख पा रहे हैं ये वाला भी, ठीक है, इस पर भी आपको 30 रुपये चार्ज पड़ेगा। इस पर भी आप आएंगे तभी आपका 30 रुपये ही चार्ज पड़ेगा, यहाँ पे कुछ ज़्यादा चार्जेस यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। फाइनली दोस्तों, अभी मेला में है, और मेला का जो मशहूर खाजा है यहाँ का, वो आपको दिखाते हैं। अभी यहाँ पे तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, और एक दुकान भैया की यहाँ पे भी सारा कुछ यहाँ पे रेडी भी हो चुका है, आप लोग आकर यहाँ पे खरीद भी सकते हैं, ठीक है। तो आपको दिखाते हैं कौन सा खाजा है और क्या रेट में यहाँ पे चल रहा है। फाइनली दोस्तों, अभी देख पाएंगे मुन्ना गुप्ता खजला भंडार के नाम से भैया की दुकान है यहाँ पे, और ये देख पा रहे हैं यहाँ पे खाजा रखा हुआ है, सूखा वाला खाजा भी है यहाँ पे, ठीक है, मुन्ना गुप्ता की यहाँ पे, ठीक है, तकिया वाले भैया हैं, और तकिया में यहीं पे लगाए हैं खाजा का। देख पा रहे हैं खाजा बहुत सारी वैरायटी में है, इधर देख पा रहे हैं कई सारे रेंज में यहाँ पे लगे हुए हैं खाजा। क्या नाम भैया आपका? क्या नाम? श्रीश कुमार। मुन्ना के नाम से ना फेमस वही है, ठीक है। तो ये वाला कौन सा खाजा अभी हमारा है? खोया वाला। क्या रेट चल रहा है इसका? 220 रुपये। और 180 रुपये कम खोया वाला। और ये कौन सा तुम्हारा, सूखा वाला है क्या? हल्का मीठा वाला। हल्का मीठा वाला कितने का ये? ये वाला 140 रुपये किलो। 140 रुपये किलो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे देख पा रहे हैं खाजा की बहुत सारी वैरायटी लगी हुई है, आप लोग अगर यहाँ पे देख सकते हैं। अभी स्टार्टिंग है, ठीक है, 28 तारीख को उद्घाटन होगा, तो प्रॉपर और अच्छे से खाजा यहाँ पे तैयार हो जाएगा। अंदर बैठने की व्यवस्था, आप आराम से बैठ के खा भी सकते हैं। अंदर बन रहा है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अभी चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं, ठीक है, जहाँ पे खाजा बन रहा है। तो इधर साइड पे आते हैं, इधर देख पाएंगे पूरा खाजा की व्यवस्था यहाँ पे हो रही है। भैया लोग यहाँ पे खाजा बना रहे हैं, देख पा रहे हैं इधर। ये देखो भाई, सूखा खाजा यहाँ पे रखा हुआ, और भैया वहाँ पे देखो अभी तल रहे हैं उसको। इधर सारी व्यवस्थाएँ खाजा की हो रही हैं, सब ताज़ा फ्रेश आइटम बन रहा है खाजा का। इधर देखो भाई, ये सब इसमें, एक इसमें तेल पे है कि घी पे? भैया दोनों मिक्सचर है इसमें, ठीक है। तो ये देख पा रहे हैं खाजा की सारी व्यवस्था यहाँ पे तैयारी हो रही है। अभी 28 तारीख को प्रॉपर और अच्छे से खाने खाजा बनेगा हर वैरायटी में। तो फाइनली दोस्तों, अभी भैया के दुकान से खाजा लिया हुआ है, ठीक है, टेस्ट करने के लिए दिया हुआ है, स्पेशल खाजा है, ठीक है, जो घी वाला है, ठीक है, इसको टेस्ट करते हैं कैसे क्या है, आपको बताते हैं फिर इसके बाद। अभी देख पा रहे हैं ये खाजा है, ठीक है, इसको भी टेस्ट करते हैं, खाते हैं, फिर आपको बताते हैं रियल टेस्ट कैसा है इसका।
क्योंकि दोस्तों जब तक खाएंगे नहीं तो इसका टेस्ट क्लियर नहीं मालूम पड़ता है कैसा क्या है। तो पानी दोस्तों अभी खाजा मैंने टेस्ट कर लिया, काफ़ी अच्छा खाजा था। तो आप लोग अपने अपने हिसाब से यहाँ पे शुगर फ्री भी ले सकते हो, थोड़ा सा कम चीनी वाला रहेगा, ठीक है, ज़्यादा चीनी वाला भी आपको मिल जाएगा, घी वाला भी मिल जाएगा, तेल वाला भी, बहुत सारी वैरायटी में आपको खाजा यहाँ पे मिलने वाला है, तो आप लोग आके टेस्ट कर सकते हो। दोस्तों ऐसी सारी व्यवस्थाएँ अभी यहाँ पर हो रही हैं, अभी स्टार्टअप हुआ है, मतलब झूला अभी जो इसका उद्घाटन है ना अभी हुआ नहीं है, तो इसलिए अभी यहाँ पर दुकानें कंटिन्यू आ रही हैं, ठीक है, रोज़ दुकानें यहाँ पर बढ़ रही हैं। झूला की देख पा रहे हैं, मैंने झूला की बहुत अच्छी व्यवस्था आपकी बार हुई है, मतलब सारे झूले है ना एक ही जगह पर आपको मिलेंगे, यहाँ पर किसी भी झूला में आपको झूलना है वो सब आपको एक जगह पे मिल जाएगा, जिसमें झूलना है दिल खोल के झूलिए आप, छोटा झूला, बड़ा झूला, बच्चों वाला झूला, ठीक है, ब्रेक डांस, सारे झूले यहाँ पे लगे हुए हैं, तो आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। और इसका उद्घाटन जो है वो 28 दिसंबर को होने वाला है, एक से डेढ़ महीना ये जो मेला है वो लगेगा यहाँ पर, आप लोग आकर यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट बताइएगा और लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे और भी लोग यहाँ पे जान सके कब से मेला स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे का जो अपडेट है ना वो पर कंटिन्यू यहाँ पे मिलता रहेगा। तो मिलते हैं आपको, बाय बाय, नई वीडियो में, बाय बाय, सब्सक्राइब कर लो।